उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्वतंत्रता दिवस पर निकल रही तिरंगा यात्रा को रोका। मस्जिद के पास पहुंची तिरंगा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध। मुस्लिम पक्ष के लोगों का आरोप तिरंगा यात्रा में लगाए जा रहे थे जय श्री राम के नारे। दोनों पक्ष के लोग सड़कों पर आमने सामने आने से रोकी गई तिरंगा यात्रा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। तो अभी ये तिरंगा यात्रा जो निकली थी, जो आपके गांव में बवाल हुआ है, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ यात्रा को लेकर हुआ था यहाँ पे? सर 15 अगस्त ये जा रही थी, 15 अगस्त के बारे में कुछ नहीं हुआ था। ये दो तीन लड़के आए थे मोटरसाइकिल पर, जय श्री राम नारे लगा रहे थे मस्जिद के सामने, और तो कोई बात नहीं थी। इन्हें समझाने की कोशिश की, बदमाशी दिखा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। ये बात थी सर। तो क्या, और ये हमारे पड़ोसी हैं, राकेश नाम है, ये बदमाश दिखा रहा है, ये ऐसी होगा, ये नारेबाजी होंगे, मस्जिद सामने नारेबाजी करेंगे हम, जय श्री राम। कितने लोग थे लगभग यात्रा? ये थे यात्रा में चार पांच बच्चे, तो छात्रों के अलावा छात्रों से लेकर गए, ये चार पांच लड़के आए थे बाद में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सारे लोग आ गए थे इकट्ठे, बोले हम तो ये तो जाएंगे लेकर गए, फिर ये सर जनाब लोग आ गए थे, उसके बाद पुलिस आई। हाँ, अब मामला कैसा है? मामला शांत है, शांत है। ग्राम बहादुरपुर में जो आज अभी ये बवाल हुआ है तिरंगा यात्रा को लेकर, क्या कुछ हुआ है पूरा संक्षेप में बताइए। उसमें साहब स्कूल के पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें झंडा वहाँ पर नारे लगाने से मुस्लिम पक्ष ने विरोध करा था, जिसमें और फिर उन्होंने विरोध जताते हुए गुंडई के तौर पर कहा था कि यहाँ भी मेवात बना देंगे अगर नारे लगाओगे। किन लोगों ने कहा था? ये मुस्लिम समाज के लोग थे। अच्छा, विरोध किस बात पर करा था? तिरंगा पे, यात्रा नहीं निकलेगी, दूसरे गांव के बच्चे नहीं निकलेंगे। तो यात्रा में तो कोई भी शामिल हो सकता है, आज स्वतंत्रता दिवस है, इनके नारे नहीं लगेंगे यहाँ। अच्छा, कैसे कैसे नारे लग रहे थे? नारे भारत माता की जय। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो डंडे प्रशासन के सामने भी ये लोग दब नहीं रहे थे। प्रशासन जब ज्यादा संख्या में हुआ तो ये लोग अपने घरों में गए, ये कह रहे थे हम हरियाणा की तरह मेवात बना दें। लगभग कितने बजे की घटना थी ये घटना साहब? 10 बजे, पौने 10 बजे के लगभग की। तो उसके बाद पुलिस आई, पुलिस कितने लोगों को पकड़ के ले गई यहाँ से? पुलिस इसमें 4 लोग थे सर। 4 लोग थे, कुछ फरार भी हैं? हाँ, कुछ लोग गायब हैं, कुछ फरार हैं। तो आप क्या चाहते हैं इसमें साहब? कार्रवाई हो जी, देशद्रोही है ये तो। ये तो हरियाणा से बवाल करके यहाँ आए, फिर यहाँ भी कह रहे हैं देश यहाँ पर नू विवाद बना देंगे।